क्योंकि जिंदगी उलझी पड़ी है दो वक्त की रोटी के लिए, कुछ तो फुर्सत के समय निकाल ले अपने जो लिए। है मैं होटल से निकल चुका हूँ और दिन की शुरुआत हम करने लगे हैं और पवन जी और उनके साथ जो ब्रदर है काफी टाइम से वेट कर रहे हैं क्योंकि एक इंटरव्यू अभी मैं कर रहा था उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया और वो लगातार कॉल्स पे कॉल कर रहे थे कि आप आइए जल्दी क्योंकि हम लेट हो रहे हैं, हमें जाना है। तो आप देखें यहाँ पर हमारी गाड़ी लगी हुई है और यहाँ पे अभी हम निकलने वाले हैं और कहाँ कहाँ जाने वाले हैं वो आप लोगों के लिए सस्पेंस है, सरप्राइज है। तो आइए हम जल्दी से चलते हैं और गाड़ी हमारी तैयार है। आप देखें पवन जी आ चुके हैं, पवन जी भी हमारा वेट कर रहे थे काफ़ी टाइम से और सो सॉरी पहले तो काफ़ी टाइम से आप वेट कर रहे हो। पवन जी हमारे साथ, पवन जी क्या कहना चाहोगे, कैसा लग रहा है? ऐसे तो बड़ी बार मिले हो, जम्मू में आकर मिले हो, आज आपके साथ धोनी है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले मैं आपके व्यूवर्स को कटरा से जय माता दी कहूँगा, उसके साथ साथ बोनी जी को मेरे दिल की एक ख्वाहिश थी कि बोनी जी हमारे बीच पहुँचे कटरा में, एज ए ब्रदरली एज ए फ्रेंडली हम बैठे हैं डिस्कशन करें और यहाँ कटरा का पूरा आस पड़ोस में को मैं घुमाऊँ अपने साथ। आज मैं यहाँ पर पहुँचे हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है और अब जो हम यहाँ से जो है सबसे पहले नौ देवी जाएंगे, उसके बाद बाबा धनसर जाएंगे और भी जो जितने भी पिकनिक स्पॉट आस पड़ोस में है वो हम सभी भाई जो है मिलते हैं। तो अभी हमारी जर्नी जो है वो शुरू होने वाली है और गाड़ी हमारी आ चुकी है और ये हमारी गाड़ी, अब मैं गाड़ी के अंदर बैठूंगा और अभी हम अपनी जर्नी को शुरू करेंगे। हमारे साथ भाई सूरज है, ये भी मीडिया लाइन से हैं और कैसे है ब्रदर? बढ़िया, आप सुनाइए कैसा लग रहा है आपको? आज हमारे पास आप जी आए हैं, हमें बहुत खुशी है दिल से। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हम बहुत सारी अलग अलग जगहों पे जो है वो जाने वाले हैं और वो जगहें आपको सच न्यूज नेटवर्क के माध्यम से दिखाएंगे और मेरा जो पर्सनल पेज है उसके ऊपर भी ये वीडियो जो है आपको मिलेंगी। तो ज्यादा इंतजार नहीं कराएंगे, पवन जी हमारे साथ है और गाड़ी हमारी बड़ी धीरे से चल रही है, एसी लगा हुआ है, ठंडी ठंडी हवा सामने से आ रही है और बाहर माहौल बहुत अच्छा है। तो आइए पवन जी के पास चलते हैं। पवन जी क्या आपके माइंड में इस वक्त लाइनें जो है वो चल रही हैं? आपके साथ मीडिया पर्सन बैठे हुए, छोटा भाई बैठा हुआ है और कटरा के अंदर हम एक लॉन्ग ड्राइव चल रही है हमारी, बहुत अच्छा। तो क्या कहना चाहेंगे आप और क्या शेर व शायरी खास मैं चाहूंगा क्योंकि आपका अंदाज है, कोई भी बात आप शुरू करते हैं सबसे पहले शेर होता है, तो इस सिचुएशन में कौन सा आपके माइंड में लाइन चल रही है? देखिए सबसे पहले मैं आपके जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं इस समय आप कटरा में हूँ और कटरा माँ वैष्णो देवी के चरणों में हूँ और यहाँ के ये प्राकृतिक नज़ारा आप जो है अपने व्यूअर्स को दिखा रहे हैं, मैं यहाँ से सभी को अपनी तरफ से हाथ जोड़कर जय माता दी कहूँगा। और इतना जरूर कहूँगा कि जो भी कटरा में नहीं पहुँचा है वो एक बार जरूर यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर प्राकृतिक का नज़ारा ले और साक्षरकार माँ वैष्णो देवी के चरणों में जो है अपनी हाजिरी लगाए क्योंकि जिंदगी उलझी पड़ी है दो वक्त की रोटी के लिए, कुछ तो फुर्सत के समय निकाल ले अपने लिए। क्या बात है कि हर इंसान को जिंदगी में हर तरीके से वो अपने अपने कार्य में व्यस्त है, इतना व्यस्त है कि वो अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकता है। इसीलिए मैं कहूंगा कि कटरा में आइए और अपनी लाइफ के लिए टाइम निकालिए और जो सुकून यहाँ पर माँ वैष्णो देवी के चरणों में प्राप्त होता है वो सुकून एक बार वो है वो यहाँ पर पहुंच के प्राप्त करें। जी जी, तो बहुत बढ़िया, इनकी शेर व शायरी इनका अंदाज ही बड़ा जबरदस्त है और उसी अंदाज में इन्होंने बताया कि हम अपने बिजी स्केड्यूल में से जो है थोड़ा टाइम अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालें कि कटरा जैसी अभी यहाँ पर मैं आया हूँ, माता वैष्णो देवी का दरबार है यहाँ पर, बहुत बड़ा मंदिर है और बहुत अलग अलग जगह से, जम्मू ही नहीं आज दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ पर आते हैं, मन की शांति के लिए आते हैं, माता के दर्शन करते हैं। तो वहीं पर मैं आया हुआ हूँ और काफी जगह हम घूम चुके हैं और अभी भी चल रहे हैं, तो आगे के दृश्य आपको मैं वहीं से दिखा। फिलहाल नौ देवियों के दर्शन के लिए हम यहाँ पर आए थे, हम कर चुके हैं, हमने स्टोरी बनानी थी वो भी हो चुकी है और इसमें सबसे ज्यादा जो सपोर्ट है हमारे ससुर बैठे हैं, इन्होंने किया है पूरा, हमें पूरी डिटेल, हालांकि हम इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते थे, पूरी डिटेल इन्होंने हमें बताई और उसके बाद वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप हमने कंप्लीट डिटेल में स्टोरी बनाई है और वो स्टोरी आपको सच न्यूज नेटवर्क पर बहुत जल्द नजर आएगी। पहले हमारे सर है, सर कैसा लग रहा है आपको? ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और काफी ज्यादा आपने हमारी हेल्प करी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको। और आपका एक चने और जो आपने मेरे को खिलाया मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्या कहना चाहेंगे और खास लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि लोग यहाँ पर भी आएं? जी मैसेज है कि ना जहाँ पे ये स्थान है इनको देखे आके कैसा लगता है कैसा नहीं, नेचुरली जो भी दर्शन है जहाँ पे प्रकृति रूपे हैं। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे हमारे साथ सर थे, काफी टाइम से हमारे साथ थे, पूरा इन्होंने हमारे साथ हेल्प करी, अभी ये जा रहे हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच आपके कीमती समय के लिए।
तो पूरी स्टोरी फिलहाल हमने कर ली है और सर यहाँ भी जा रहे हैं और बहुत अच्छा लगा फिलहाल यहाँ पर आकर के।